होता है, गुड बाय तब बोलते हैं जब हमेशा के लिए बाय बोलते हैं। ये तो बाय बाय बोलते हैं हम। चुप नहीं, 30,000 किलोमीटर मैन, 3 years, लॉन्ग टाइम। मस्त अभी भी शाइन कर रहे हैं। एंड अभी भी। सो एक बाइकर को अपने बाइक को ऐसे मेंटेन करना चाहिए, है ना? Yes, always, always. I am really happy कि this song Jugni is going to such a gentleman. He rides KTM as well as Bullet, so he knows he will like the bike. I hope it's an amazing machine. Thank you so much. Thank you so much for having this. Right, and improvement. We never wanted to give a bike to bike dealers, and we are very happy that it's going to it's somebody personal. Who is special. Yeah. Okay. पैशनेट बाइकर के पास अपनी बाइक जा रही है तो नथिंग लाइक इट, सो हैप्पी। सेफ एंड ऑसम बाइक। सो मेनी इयर्स, आई मीन सो मेनी मेमोरीज, सो मेनी मेमोरीज। हम लोग की फर्स्ट बड़ी बाइक थी, हम लोग की फर्स्ट 650 सीसी वाली बाइक थी। एंडलेस मेमोरीज गाइस, आई मीन मुझे अच्छे से याद है हम लोग ने ये बाइक तब खरीदी थी जब हम लोग सच्ची में स्केप्टिकल थे कि कोई बड़े बाइक में शिफ्ट करना है क्या। तभी अपन डोमिनर 400 चला रहे थे, डोमिनर 400 चला रहे थे, एंड देयर वाज नो प्लान एट ऑल टू अपग्रेड इट टू एनीथिंग बिगर सीसी या समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली, वन डे वी वर जस्ट सिटिंग और हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, ये कुछ एडिट कर रहा था, मैं ऐसे ही मैं बुक पढ़ रही थी, एंड आई वाज लाइक कि चल ना कोई 650 सीसी खरीद लेते हैं, और इसके वजह से हम लोग ने बोला कि चल यार एक रिस्क ले लेते हैं, लेट्स गो एंड स्विच टू 650 सीसी। शी वाज स्टिल नॉट रेडी, इसके लिए हम लोग देख रहे थे कि निंजा 300 ले लेंगे या फिर निंजा 400 वाज आल्सो देयर, सो वी वेंट देयर। पहले इसका देखो, मैं बोला मैं अकेला अपग्रेड नहीं करूंगा, खर्चा करूंगा तो दोनों का खर्चा हो जाएगा खुशी से पूरा, एंड लिटरली पूरा खत्म कर दिया था और लॉकडाउन हो गया। हम लोग ने बाइक खरीदा, हम लोग ने मुंबई टू कश्मीर वाली राइड मारी, हम लोग ने दिसंबर 25th को हम लोग ने 2019 को हम लोग ने बाइक खरीदा था, हम लोग जनवरी में हम लोग राइड पर चले गए थे मुंबई टू कश्मीर, और आई थिंक फेब में हम लोग आए और मार्च में लॉकडाउन हो गया, एंड दैट टाइम वी वर लाइक ओ माई गॉड अभी हम लोग ने नया बाइक खरीदा है एंड वी रियली वॉन्टेड टू अर्न, मतलब उस टाइम पे वी वर लाइक हम लोग पूरा हमारा लिटरली ये बोल सकते हैं कि हम लोग खाली हो गए थे, अकाउंट हमारा खाली करके। जैसे आप लोग को पता है हम लोग हमेशा कैश पे लेते हैं, वी डोंट टेक लोन्स, तो दैट्स व्हाट यू गाइस आल्सो शुड डू, जो एसेट्स होते हैं उनमें आप लोन ले सकते हो, लायबिलिटीज पे लोन्स नहीं लेने। मैं अभी पिछले 7-8 महीने 1 साल से इतना कुछ सीख चुका हूँ ना, तो आप लोग के लिए मैं फाइनेंशियल वाले भी वीडियोस बना सकता हूँ, फाइनेंशियल एडवाइस मैं बहुत बोर करता हूँ। बट फ्रेंकली गाइस, हम दोनों में से ऑल द फाइनेंसिंग ही मैनेजर्स, सो आई स्टिल डोंट नो व्हाट इज 5 + 5 × 3, मुझे नहीं मालूम है, फ्रेंकली आई डोंट नो। सो ऐसा होना चाहिए कि दोनों में से कोई एक जन प्रॉपरली फाइनेंस मेंटेन करना चाहिए, और उस टाइम पे वो रिस्क ले लिया था 650 सीसी लेने की, तो अब जाकर हम लोग ने ये भी हिम्मत कर सके कि लॉन्ग वे यार, मतलब डोमिनार से अभी आप लोग के पास फ्लैगशिप मॉडल्स है ऑन इन बोथ द ब्रांड्स। एग्जैक्टली, सो कभी कभी लगता है कि रिस्क वो टाइम पे नहीं लेते, 650 V-Strom के टाइम पे नहीं लेते, निंजा 650 के टाइम पे नहीं लेते, तो शायद अभी हम लोग अभी भी सोचते ही रहते कि क्या करना है लाइफ में। So after riding and I still remember Hitesh जब पहली बार बाइक पे बैठे और उन्होंने बाइक चलाया, उन्होंने सिर्फ क्लच छोड़ा, थ्रॉटल नहीं किया, उन्होंने कह रहे ये चाहिए, ये चाहिए अपने को। He was like 390 उनका चला था, obviously lower RPM पे उसका टॉर्क उतना मजा नहीं आता है, तो एज सुन एज ही सैट ऑन द 650 और क्लच छोड़ा, यूज लाइक आ रहे हो ये सही है, ये चाहिए। डबल सिलेंडर का यही मजा होता है गाइस, सीरियसली यही मजा होता है, तो आई थिंक आई विश वी बोथ विश यू ऑल टू हैव लॉट्स ऑफ गुड बाइक्स इन योर लाइफ, एंड ये अभी हमेशा है ना कोई चीज को जाने देना बहुत सिंपल नहीं होता है, अभी स्टिल फील बिट इमोशनल, अभी भी इट्स अ वेरी गुड मोमेंट फॉर हितेश, इट्स रियली गुड मोमेंट फॉर हितेश, एंड ट्रस्ट मी गाइस, जीएस का डिलीवरी लिया है अभी, जीएस है मेरे पास, बट जीएस का डिलीवरी के टाइम पे जितना फीलिंग नहीं था ना, उससे ज्यादा फीलिंग्स V-Strom, बिकॉज V-Strom मतलब कमिंग फ्रॉम अ लोअर सीसी मोटरसाइकिल, V-Strom 650 एंड
निंजा 650 हम मतलब वो सोच के बाहर था कि ये बाइक सच में हमारे पास आ रही है. एग्जैक्टली. तो हाँ, तो वो मेरा टाइगर 850 के टाइम पे भी मेरे लिए वो अच्छा मोमेंट था क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स बाइक से एडवेंचर बाइक पे आ रही थी. लेकिन फ्रैंकली जीएस से ज्यादा फीलिंग मेरे लिए वी स्ट्रॉन्ग के साथ 650 डेफिनेटली. और बस इतना बोलना है कि हितेश को बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन. यू डेफिनेटली जस्ट गो आउट फॉर द राइड एंड फील जुगनी. आई मीन शी इज वन ऑफ द वी स्ट्रॉन्ग 650 इज द बेस्ट बाइक इन करंट मार्केट इन 650 सेगमेंट. 650 इनफैक्ट 12 लाख के रेंज में जितनी भी मोटरसाइकिल्स है सब में बेस्ट आई वुड रेट वी स्ट्रॉन्ग 650. तो अगर आपको ब्रांड न्यू लेनी है तो डेफिनेटली लो. प्री ओन्ड में आपको अच्छा डील मिलता है क्योंकि वी स्ट्रॉन्ग की इंजन सिर्फ आपको इंजन भी मिल रही है ना अच्छी. गो फॉर इट गाइस बिकॉज अभी सुजुकी का जो है ये वाला इंजन दे आर गोइंग टू डिसकंटिन्यू. तो ये दिस वाज सच अ जेम ऑफ अ इंजन. इतना अच्छा मतलब मैं आई कैन ये वीडियो बहुत बड़ा कर दूंगा वो इंजन के बारे में बोल के. रिव्यू भी किया है वी स्ट्रॉन्ग 650 का, उसका भी लिंक डाल देंगे. गो एंड चेक इट आउट. हम लोग ने आज तक हम लोग को वी स्ट्रॉन्ग 650 में कोई इशू नहीं आया है. इट्स वन ऑफ द बेस्ट बाइक हम लोग ने हर वीडियो में बोला और आज के लास्ट वीडियो में भी हम लोग ये बोल रहे हैं. सो इफ यू एवर थिंक कि 650 सीसी में कौन सी बाइक में जाना है तो गो फॉर वी स्ट्रॉन्ग. बिग थम्स अप. सो गाइस हम लोगों ने बहुत विचार विमर्श करके बहुत सारा डिस्कशन करने के बाद ये सोचा है कि ये वीडियो में नेक्स्ट राइड हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं वो अप्सरा के साथ बताएंगे. exactly. क्योंकि अप्सरा के ऊपर बहुत सारे बहुत अप्सरा के चोटले बढ़ चुके हैं. हाँ, अप्सरा पे इतनी सारी एक्सेसरीज लगी ना गाइस आप लोगों को बिलीव नहीं होगा. जो साइड स्टैंड के इधर एक सेंसर होता है ना वो भी प्रोटेक्शन लगती है, उसको भी प्रोटेक्शन लगती है. हाँ, वो थोड़ा एक मुझे बेटर वियर्ड लगा कि साइड स्टैंड सेंसर भी होता है और वो अगर आपने कवर नहीं किया तो आपकी राइड खत्म हो सकती है. पत्थर लगता रहेगा, पत्थर लगेगा क्योंकि वो ऑब्वियसली ऊपर ऐसा रहेगा उसमें पत्थर लगते रहेगा. तो हम लोग राइड प्रिपेयर नहीं राइड प्रिपेरेशन नहीं राइड हम लोग कहाँ जा रहे हैं उसका बात हम लोग करने वाले हैं अप्सरा और गब्बर के साथ. अप्सरा कल मिल जाएगी. ऑलमोस्ट 5-6 दिन से अप्सरा को देखा नहीं है. प्लीज छोटी मोटी सब चीजें हो रही है उसमें. तो अप्सरा के साथ और गब्बर के साथ हम लोग नए वीडियो के साथ आपको मिलेंगे और बताएंगे कि कहाँ पे जाने नेक्स्ट राइड कहाँ जा रहे हैं आपके साथ. हम जल्दी जा रहे हैं. यस yes, और रूट प्लान भी बता रहे हैं आप लोग को और हम लोग को बताओ कि उस रूट में हम लोग और क्या क्या डालना चाहिए. सो बाय गाइस. बाय.